हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बात करने वाला हूँ आज वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट हो या फिर वन प्लस सी थ्री फाइव जो, तो इसमें बात करने वाला इस फोन में कि अगर ये फोन आपके गर्म हो रहा है या फिर यहाँ पे फोन चलो स्लो चल रहा है तो इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वैसे तो ये फोन काफी जो कि यहाँ पे अच्छा, ये फोन गर्म तो नहीं होता बट यहाँ पे फिर भी आपको हो रहा है गर्म, फोन ज्यादा हो रहा है, तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पे भी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपका फोन है वो स्लो चल रहा है उसे आप फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ अजीत कुमार और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लेके सपोर्ट द प्लीज चैनल पर। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बगल में बेल आइकन घंटे दिख रहे हैं उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे और सारी आपको अपडेट समय पे मिलते हैं। चलिए मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ पहले कि ये फ़ोन आखिर गर्म क्यों हो रहा है। अगर इसमें आप ज़्यादा गेम खेलते हैं, अगर गेमिंग कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस वाली गेम जैसे कि BGMI हो गया, PUBG हो गया, उस तरह का यहाँ पे गेम खेल रहे हैं तो गेम तो काफ़ी अच्छा चलेगा आपको स्मूथ। उसके बाद यहाँ पे क्या आपको करना होगा उसको, चलिए यहाँ पे आपको बता दो कैसे आपको सेटिंग्स करनी है। तो चलिए क्या करना होगा, आपको सेटिंग्स वाले यहाँ पे सेटिंग वाले एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं या फिर सेटिंग्स है ऑप्शन, इसे आप ओपन कर लीजिए। चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। यहाँ पे देख पा रहे हो तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का एक ऑप्शन शो हो रहा हो, तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पे क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड पे रहेगा 60Hz पे, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा, तो इसे क्या करना आपको हाई कर देनी। इसे हाई करने के बाद कैसा होगा, यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है यानी कि वो डिस्प्ले आपको शो रहा होगा काफ़ी स्मूथ यहाँ पे जो फोन है वो चलेगा, जिसके कारण आपका फोन जो कि गेम खेलने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मूथ चलेगा। स्मूथ यहाँ पे BGMI या फिर PUBG जैसे गेम प्ले करते तो स्मूथ चलेगा। और साथ ही एक और रीजन बता दूं फोन गर्म होने का, अब जब भी आप गेम खेले तो टेम्परेचर हाई वाले में मत खेले, जहाँ पे ज्यादा गर्मी करती है जिस वाले रूम में खेल रहे हो वहाँ टेम्परेचर हाई रहती है वहाँ पे गेम मत खेले, जहाँ पे यहाँ पे ठंडी रहती है वहाँ पे जाकर गेम खेले, आपका परफॉर्मेंस और बेटर आपको देने वाली है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पे PUBG नहीं खेलते उनका भी अगर फोन गर्म हो रहा तो उनका फोन गर्म होने का मेन रीजन होता है हॉटस्पॉट। आप किन्हीं को यहाँ पे अपने डाटा का यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हॉटस्पॉट ऑन करते हैं जो कि पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करके किन्हीं को देते हैं हॉटस्पॉट नेट चलाने के लिए, तो ये मेन रीजन है। काफी यहाँ पे गेम से भी यहाँ पे ज्यादा इससे गर्म होता है फोन, मैं यूज कर चुका हूँ और इससे मैं हॉटस्पॉट लेता तो फोन काफी गर्म हो जाता है। तो मेन रीजन एक और ये कि यहाँ पे हॉटस्पॉट ना खोल के यहाँ पे आपका फोन गर्म नहीं होगा। ये तो हो गया फोन गर्म करने की बात, किन किन रीजन से आपका फोन गर्म हो रहा है। पहला तो मैं बताया कि यहाँ पे ज्यादा हाई टेम्परेचर में गेम ना खेले, और दूसरा यहाँ पे कि आप अपना फोन है वो हॉटस्पॉट खोल के किन्हीं को नेटवर्क ना दे, क्योंकि हॉटस्पॉट से ज्यादा फोन गर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे फोन अगर आपका स्लो चल रहा है तो उससे फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो फोन अगर आपका स्लो चल रहा है तो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे सेटिंग्स दिख रहा है, सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आनी होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे वॉट डिवाइस आपको दिख रहा होगा, वॉट डिवाइस, तो वॉट डिवाइस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के वहाँ पे वर्जन आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे हो तो वर्जन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो बिल्ड नंबर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कितने बार आपको 7 बार टाइप करने हो, चलिए मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 बार टाइप कीजिएगा। और यहाँ पे आपको फिर पैटर्न मांगा, जो भी आपको पैटर्न है वो दे देनी होगी। देने के बाद यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, डेवलपर मोड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद बैक आ जाने, बैक आने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स आपको दिख रहे हो, तो एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी होगी। इसमें नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एनिमिनेशन स्किल आपको दिख रहा होगा, और सेकंड में आपको यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमिनेशन स्किल, उसके बाद यहाँ पे एनिमेटर और ड्यूरेशन स्किल आपको यहाँ पे शो रहा हो, तो यहाँ पे सबको यहाँ पे 1 पे रहेगा तो आपको ऑफ कर देनी होगी, सबको बारी बारी से ऑफ कर देनी। ऑफ करने के बाद यहाँ पे वो फोन बहुत ही फास्ट चलने वाली है, तो इस तरह से करके यहाँ पे अपने फोन को बूस्ट दे सकते हैं। आपका फोन स्लो चल रहा है तो इसे फास्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियोज कैसी लगी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, चलिए मैं एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब हो गया, बैक करता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ, बैक करता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ, बैक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कितना फास्ट चल रहा है। तो इस तरह से कि यहाँ पे अपने फोन को अगर स्लो चल रहा तो वो फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियोज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल AKG सपोर्ट।